हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षितायु लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो मैं आज बात कर रही हूँ बाबू के बर्थडे का, जो कि मैं शॉपिंग की हूँ कल। जितना की हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी जो भी चीज़ याद आता जा रहा है वैसे वैसे मैं बाबू के पापा को बोलती जा रही हूँ एंड वो लेकर के आ जाएंगे खरीद के। तो शेयर करने से पहले बता दूं मैं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। शेयर ज़रूर कीजिए गाइस, जितना भी आपके कॉन्टैक्ट में है बेझिझक एकदम बिंदास शेयर कीजिए। जितने भी कॉन्टैक्ट हो, जितना भी फेसबुक व्हाट्सएप मतलब फ़ोन में जितना भी कॉन्टैक्ट हो आप शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो को, तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो। तो उससे पहले मैं अपना फीलिंग बता दूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि बाबू एक साल का हो गया है। खैर, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि बाबू एक साल का हो जाएगा कल। मतलब 1 ईयर मैं इसके साथ में रह ली हूँ बट मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि अभी जस्ट 1-2 महीने का तो बात था, इतना जल्दी बाबू कैसे साल भर का हो गया, क्योंकि पता नहीं कैसे मुझे लग रहा है कि अभी ये तो नया ही है, बाबू है अभी, छोटा सा है। तो पापा मम्मी बोलते थे पहले कि तुम लोग मेरे लिए हमेशा ही बच्चे ही रहोगे। वो मुझे आज फील हुआ कि हाँ सही बात है, बच्चे माँ के लिए, माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही होते हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। खुशी बहुत है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, खुशी है, तैयारी भी कर रही हूँ बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो चलिए देखिए, अभी तो ये सोया हुआ है, बिल्कुल चुपचाप शांत से सोया हुआ है बट मुझे बिलीव, मतलब हमेशा मुझे लग रहा है कि भाई इतना जल्दी बर्थडे आ गया, बाबू इतना बड़ा हो गया, मतलब साल भर का हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को। एंड जो लोग नया देख रहे हैं मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पहले एंड उसके बाद में वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइज, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि मैं बाबू के लिए ड्रेस कौन सा ली हूँ, क्योंकि बाबू को मैं वजह बताती हूँ। पहले आप लोग ड्रेस देख लो कि कौन सा ड्रेस मैं ली हूँ। मैं ये दिया हुआ है, तो ये है एक ऊपर का एंड गर्मी की वजह से मैंने ये ही लिया है। ज़्यादा मैं डिल डॉल का कपड़ा नहीं ली हूँ, क्योंकि बाबू को ये सहन नहीं होता है, तुरंत ही इचिंग हो जाता है और तुरंत ज़्यादा मतलब फोड़ा वोड़ा निकलने लगता है। तो इसी की वजह से बाबू के लिए मैं ये ली हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है एंड इसके साथ मिला है आपको ये पैंट। जीन्स का है, छोटा सा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है तो मैं ये ली हूँ एंड ये बाबू को थोड़ा सा कंफर्टेबल भी लगेगा, क्योंकि इसका कपड़ा जो है ना बहुत ही सॉफ्ट है जीन्स का एंड बहुत ही पतला कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ये कंफर्टेबल फील करेंगे बाबू। इसीलिए मुझे कोई भी कपड़ा जब मैं लेती हूँ बाबू के लिए तो अब मुझे सोचना पड़ता है कि जब से बाबू हुए हैं तब से मुझे लगता था कि मॉम डैड चलो कपड़ा ही तो खरीदना है, लेकिन क्या मतलब बच्चों के कपड़ा में क्या सोचना, जब कोई मॉम डैड बोलते थे कि मुझे बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। बट अब मुझे समझ में आता है कि सही बात है, क्योंकि बाबू को नहीं होता, थोड़ा सा भी रुखड़ा कपड़ा रहता है ना तो वो नहीं होता है। यहाँ तक कि इसका ये जो लगा हुआ है ना, ये तो छोड़िए, ये तो अभी ही मैं हटा दे रही हूँ, ये इसको भी हटाना पड़ता है, नहीं तो ये इनको चुभता है एंड ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं एंड एटलीस्ट इनको फोड़ा या फिर चकता चकता टाइप का कुछ ना कुछ स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये एंड ये कपड़े में लिया है एंड जीन्स एंड फुल शर्ट है बाबू का, जो कि मैं रखी हुई हूँ। बर्थडे के लिए ही लिया गया था बट मैं मतलब जब इनको पहनाया गया ना वैसा जीन्स शर्ट ही सब, तो इनको सूट नहीं किया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चलो स्किप करते हैं एंड ये वाला ले लेते हैं। तो ये उस दिन के लिए है एंड जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है, उसको रहने दीजिए। दूसरा मैं बोलूँ तो बर्थडे का है तो मुझे मन था कि गुब्बारा वाला लूँ बट ये गुब्बारा वाला नहीं मिला, तो एक ये मिला। जो मिला वो हम लोग लिए, काफ़ी शॉप बंद थे, काफ़ी दुकान बंद थे, तो ये कुछ इस तरह से है हैप्पी बर्थडे का। आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा तो ये है कुछ इस तरीके का, तो मैंने ये लिया
मैं नहीं, ये बाबू के पापा लाए हैं, तो बाबू के पापा का पसंद है ये, क्योंकि उन्हें भी नहीं मिला था, वो भी सोचे थे कि लेकर के आएंगे अच्छा वाला जो बलून वाला आता है वो, बट होता है ना, अभी तो खैर मिल ही नहीं रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का ही है, हैप्पी बर्थडे कुछ करके लिखा हुआ है, पूरा फंस गया है, वही आएंगे तो इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें भी है ना हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, मैं इसे दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे बाबा, ये तो सही ही नहीं हो रहा। जी हाँ गाइस, तो एटलीस्ट हो गया मेरे से। तो इस पे भी यही लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो एक ये है, एंड उसके बाद मैंने लिया है किक लेकर के रखा हुआ है, तो मैंने दोनों बाबू के लिए, मतलब बड़े वाले बाबू भी हैं तो वो भी पहनेंगे, ये कैप लिया है मैंने जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका ये बहुत प्यारा है ये, एंड ये तो वही, तो मैंने ये दो कैप लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये लिए, क्योंकि किक कट करने के टाइम में दोनों बाबू पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक अगर पहनेगा ना, अगर ये बाबू पहनता है तो वो बाबू नहीं पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। तो ये रहा कैप, एंड उसके बाद में मैं बता दूँ कि ये है एक, तो ये भी हैप्पी बर्थडे का है, वही जो मैं दिखाई हूँ वो है। एंड ये दो है जो कि बाबू के पापा का फेवरेट है, ये वो जरूर ही ले लेकर के आते हैं चाहे कोई भी चीज़ हो। तो ये रहा जो किक कटेगा उस टाइम में फोड़ा जाएगा इसको, तो वो है। एंड ये है, एंड ये है बर्थडे कैंडल, एंड ये रहे बलून। इतने सारे बलून हैं, एंड और भी है बट माँ के रूम में है तो मैं सॉरी नहीं दिखा सकती हूँ अभी। एंड बाबू मेरा फर्स्ट बर्थडे है, तो वो ये वन लिखा हुआ है, तो ये एक हुआ कैंडल जो कि बर्थडे केक पे लगेगा, एंड ये स्टिकर जो कि चिपका सके इसी के लिए। तो ये जो हाबी जाबी अलग का सामान था ये मैं नहीं ली हूँ, ये बाबू के पापा लिए हैं, यानी कि बड़े वाले बाबू लिए हैं। तो एंड ये मैंने जो कल लिया वो है ये, एंड और ज़्यादा लेकर के आएंगे इनके पापा। तो ये दो चॉकलेट्स और ये चार हैं, अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं पांच है, सॉरी एक और है, पांच है। तो ये इतना है, एंड और खर्च हो गया है, कल आया तब से खर्च ही हो रहा है, तो खर्च हो गया है। एंड और भी ये लेकर के आएंगे, आएंगे तो लेकर के आएंगे। तो ये रहा, एंड अब चलती हूँ मैं। हाँ एक और है बाबू का हेयर वॉश ख़त्म था शैम्पू बाबू का, तो मैंने ये लिया, एंड साबुन भी लिया है सोप, तो सोप यूज में मैं डाल दी हूँ तो इसीलिए नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी। एंड ये ली हूँ मैं शैम्पू। तो अब मैं चलती हूँ अपने तरफ, तो मुझे मैं एक ये ली बिंदी जो कि मुझे अच्छी लगी, साड़ी पे अक्सर मैं ऐसा ऐसा बिंदी लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, एंड माँ को भी पसंद है एंड दीदी को भी पसंद है ऐसे ऐसा बिंदी। मुझे पता है ये वाला बिंदी दीदी को बहुत ही पसंद आएगा, तो मैं रखूँगी दीदी के लिए, एंड आएंगी तो वो भी लगाएंगे एंड मैं भी लगाऊंगी, क्योंकि हम लोग दोनों शेयर करके चलते हैं। एंड ये बाबू का है, बाबू का बाल अब यहाँ यहाँ तक आ जाता है तो इसी के लिए मैं ये ली हूँ। तो ये बाबू का है, एंड मेरी मेरा जो पायल था वो टूट गया था तो मैंने ये लिया, तो ये कुछ इस तरीके का है, देख लीजिए आप लोग। तो ये मैंने एक ले लिया जो कि बढ़िया वाला, थोड़ा खर्च हो गया इनका, तो ये है बढ़िया वाला, क्या ये लेकर के ही गए थे कि चलो तुम अपने मर्जी से आज ले लेना जो भी लेना होगा। तो ये ली मैं, एंड ये एक मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो कि मैं नाइट में भी यूज़ करती हूँ, एंड डे में अगर लिपस्टिक नहीं लगाई तो भी यूज करती हूँ, लिपस्टिक लगाने से पहले भी यूज करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा होता है, मैं यूज भी की हुई हूँ। तो ये क्या है, पिंक मैजिक लिप, पिंक मैजिक लिप है।
जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। शादी से पहले से ये बहुत ही पसंद है, तो मुझे दिखा तो मैं ले ली। एंड ये मैंने लिया अपने लिए एक नेल पेंट रेड कलर का, जो कि रेड कलर का नेल पेंट ख़त्म था तो मैं एक ले ली। एंड ये है थ्रेडिंग के लिए प्लकर, जो कि कुछ इस तरीके से है, मुझे काम आएंगे। एंड थ्रेडिंग का धागा है मेरे पास, एंड नॉर्मल धागे से भी मैं कर लेती हूँ, तो इसीलिए थ्रेडिंग का धागा नहीं ली, वैसे मेरा नया ही रखा हुआ है। एंड मुझे पायल के साथ साथ कुछ ये अच्छा लग गया, तो मैंने ये ले लिया। छोटा सा है, बहुत ही प्यारा है, तो मैं ये ली। एंड मुझे दिख गया एक ये दिखाने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, बट मैं ली हूँ तो मैं दिखा दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, इसका ये बहुत प्यारा लगा था, तो इसीलिए मैं ये ली। एंड माँ के लिए भी ली हूँ मैं, तो ये दोनों हैं कुछ इस तरीके से हैं, तो माँ के लिए भी मैं ली हूँ। इसमें का नहीं है, माँ का फ्लैट चप्पल है, फ्लैट है एंड पतला फीता है बस, तो क्योंकि वो हील नहीं पहनती हैं तो इसी के लिए। तो इतना ही सारा सामान मैं अभी फ़िलहाल के लिए ख़रीदती हूँ, एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं अभी करूँगी आप लोगों को टाटा बाय बाय। उससे पहले मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के शेयर का बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग शेयर करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी एंड अच्छी अच्छी अब व्लॉग आती रहेगी आप लोगों के साथ में। तो आज तो बस इतना ही का था, मैं शॉपिंग की हूँ एंड जो भी चीज़ आते जाएगा वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि मैं कल बर्थडे का पिक नहीं, मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने में व्लॉग शेयर करूँ। एंड क्या कहते हैं, एंड डायपर से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आप लोग किए हो एंड ये लाइनर का, तो मैं वो भी करूँगी, थोड़ा फ्री हो लूँ तो उसके बाद में मैं बता दूँगी। ये बर्थडे बीत जाए उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कितने में डायपर आता है और कितने में नहीं आता है, ठीक है। एंड लाइनर कैसे लगाया जाता है, कैसे नहीं लगाया जाता है। और एक बात की केक मैंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी केक, तो केक मैंने हम दोनों गए थे, हम तीनों गए थे, बाबू भी गया था, तो केक ला करके रखा हुआ है फ्रीज में, क्योंकि बाबू को कल पता नहीं कब छुट्टी मिलेगा कब नहीं मिलेगा, मतलब मेरे हस्बैंड को, तो वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बोले कि शाम हो सकता है, रात हो सकता है, रात भी हो सकता है आने में, क्योंकि बाबू का केक कट करवाने के लिए वो सिर्फ आएंगे। 1 तारीख से कलेक्शन शुरू हो जाता है तो छुट्टी एकदम ना के बराबर है, बट देखिए क्या होता है, अगर कलेक्शन बीत जाएगा सही से तो ठीक है, अगर नहीं मिला तब तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए वीडियो का करते हैं इन, टाटा बाय बाय। 10 मिनट का वीडियो हो गया, 10 और 2 12 12 मिनट का वीडियो हो गया, तो करते हैं टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। जैसे जैसे होगा जो भी चीज़ होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, तो टाटा बाय बाय। एंड हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर 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 प्लीज़ शेयर कीजिए एंड बाय बाय।